हम एक टेम्पलेट देखते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का जो टेम्पलेट है वो कैसा होगा। इसमें तीन सेक्शंस होंगे। एंट्री सेक्शन, जिसमें डिसीजन मेकिंग होगी कि कौन सा थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा। देन क्रिटिकल सेक्शन तो है ही, एग्जिट सेक्शन जिसके अंदर लॉक को रिलीज किया जाएगा, और इस क्रिटिकल सेक्शन, एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन के अलावा जो कुछ भी थ्रेड में होगा दैट इज कॉल्ड रिमेंडर सेक्शन। तो ये एक टेम्पलेट है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा, सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन जो होगा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का, वो इस तरह का होगा। उसमें ये सेक्शन होंगे पॉसिबली। एंट्री सेक्शन के अंदर डिसीजन मेकिंग होनी है कि कौन सा थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा। जो एंटर होगा वो लॉक को सेट करेगा, और एग्जिट सेक्शन में वो अपने लॉक को रिलीज करेगा। और इसके अलावा जो थ्रेड में कोड है जो क्रिटिकल सेक्शन का पार्ट नहीं है, वो एंट्री सेक्शन, एग्जिट सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन के अलावा है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर सेक्शन। और नॉर्मली जो थ्रेड होता है वो हमारा लूप में एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अब अगर हम बात करें तो जो लास्ट क्लास के अंदर हमने सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया था, जिसके अंदर हम एक लॉक वेरिएबल था, हम चेक सबसे पहले एक वाइल लूप लगाते थे, उस कोड पे चले जाते हैं। अब इसमें अगर हमने लेबल करना हो कि कौन सा एंट्री सेक्शन है, ये जहां पर हमने कंडीशन चेक की है और लॉक को सेट किया है, दिस इज द एंट्री सेक्शन। ये एंट्री सेक्शन है, और जहाँ सेट लॉक सेट हुआ है ये भी एंट्री सेक्शन का ही पार्ट है। ये एंट्री सेक्शन हो गया जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग हो रही है कि कौन सा थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा। इसके अंदर बिजी बिजी वेटिंग है, यानी कि वाइल लूप में आइटरेट होता है। वाइल लूप में ही आइटरेट होता रहता है। अगर वो लॉक एक्वायर ना कर सके देन लॉक सेट होता है, लॉक एक्वायर होता है। तो ये तो दोनों मिलके ये एंट्री सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जो भी हमारा शेयर्ड वेरिएबल जहाँ पर मॉडिफाई हो रहा है दैट इज द क्रिटिकल सेक्शन। और एग्जिट सेक्शन के अंदर हमारा लॉक जो है वो रिलीज हो रहा है, दिस इज द एग्जिट सेक्शन। इसको मैं टेम्पलेट के मुताबिक लेबल कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो कुछ हमारे कोड में लिखा हुआ है वो सारा रिमाइंडर सेक्शन है, यानी कि थ्रेड के में इसके अलावा अगर कोई कोड होता, काउंट प्लस प्लस के अलावा जो कोड होगा दैट वुड बी द रिमाइंडर सेक्शन। अब इसमें हमने लिखा ही काउंट प्लस प्लस था, लेकिन इसके अलावा जो भी कोड होगा वो सारा रिमाइंडर सेक्शन के अंदर काउंट होगा। तो नाउ टेम्पलेट के अंदर एंट्री सेक्शन है जहाँ पर बिजी वेटिंग है और लॉक एक्वायर होता है। अगर लॉक एक्वायर हो जाता है तो थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा। क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलते वक्त एक और सेक्शन है, दैट इज कॉल्ड एग्जिट सेक्शन। तो ये तीन सेक्शन है। तो ये हमारा टेम्पलेट है, एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन और रिमाइंडर सेक्शन। जो भी हम सॉल्यूशन प्रपोज करेंगे उसके अंदर ये पॉसिबल सेक्शंस होंगे। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो?
अब हम देखते हैं कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बेस्ड क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सलूशन प्रपोज करेंगे वो वैलिड है या नहीं। अब उसकी वैलिडिटी के लिए तीन कंडीशंस का साइमल्टेनियसली मीट होना ज़रूरी है, यानी कि एट द सेम टाइम तीन कंडीशंस मीट होंगी तो हम कहेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का वैलिड सलूशन। अब उसमें जो पहली कंडीशन है दैट इज़ द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये है कि एक वक्त में कोई एक थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब है म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो रही है, तो फिर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का ये सलूशन नहीं है, पहली कंडीशन ही वायलेट हो गई। वन थ्रेड एट ए टाइम शुड एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। अगर मैं कल वाली एग्जांपल देखूं तो उसके अंदर एक इंक्रीमेंट थ्रेड था, एक डिक्रीमेंट थ्रेड था, उनमें क्रिटिकल सेक्शन था काउंट प्लस प्लस और दूसरे में काउंट माइनस माइनस। अब कोई एक थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा, या तो वो काउंट प्लस प्लस होगा या काउंट माइनस माइनस होगा, दोनों सेम टाइम पे नहीं हो सकते। अगर किसी वजह किसी तरीके से किसी तरह दोनों सेम टाइम पे होने लगे तो इसका इसका मतलब है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो रही है और जो सोल्यूशन आपने प्रपोज किया इट इज़ नॉट अ वैलिड सोल्यूशन फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो पहली शर्त यह है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीट होनी चाहिए कंडीशन। अगर यही वायलेट हो गई तो एक्चुअली इसी के लिए तो हम सब कर रहे थे कि एक वक्त में कोई एक थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो। क्लियर? अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन है प्रोग्रेस। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये कहता है कि इन डिसीजन मेकिंग थ्रेड्स विलिंग टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शंस शुड पार्टिसिपेट ओनली। मीन्स मल्टीपल थ्रेड्स आ गए, मल्टीपल थ्रेड्स हैं वो अपनी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाह रहे हैं, उनके दरमियान डिसीजन मेकिंग होनी है और वो डिसीजन मेकिंग एंट्री सेक्शन में होनी है। अब उस डिसीजन मेकिंग में सिर्फ वही थ्रेड्स पार्टिसिपेट करें जो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहते हैं, ऐसे किसी थ्रेड का वेट ना किया जाए या कोई ऐसा थ्रेड पार्टिसिपेट ना करे उस डिसीजन मेकिंग में जो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होना चाहता, जो अपने रिमाइंडर सेक्शन में। सिर्फ वो ही थ्रेड्स पार्टिसिपेट करें जो अपने एंट्री सेक्शन में हैं, जो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जब हम ये अप्लाई करके देखेंगे देखेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब आपको पता चलेगा कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो डिसीजन मेकिंग में सिर्फ वही थ्रेड्स पार्टिसिपेट करें जो जो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहते हैं, वो थ्रेड्स जो कि अपने रिमाइंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट ना करें। अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या उनका वेट किया जा रहा है कि वो एंटर हों या वो आए तब डिसीजन मेकिंग को, तो इसका मतलब है कि प्रोग्रेस कंडीशन वन वायलेट हो रही है। उसका बी पार्ट ये है कि डिसीजन शुड बी मेड इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, क्विकली डिसीजन हो जाना चाहिए। अब क्विकली मीन्स के उसका जो ड्यूरेशन है वो फाइनाइट हो, मे बी 1 सेकेंड लगता है, 10 सेकेंड्स लगते हैं, 1 आवर लगता है, जितना भी टाइम लगता है, लेकिन वो फाइनाइट होना चाहिए, इनडेफिनेटली प्रोलॉन्ग ना हो जाए। ऐसा ना हो कि डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं रही जब तक सिस्टम ऑन है, स्टक हो गए हैं, डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं रही। तो डिसीजन मेकिंग के कौन सा थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा ये टाइमली हो जानी चाहिए, ये फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में हो जानी चाहिए। तो दिस इज द बी पार्ट। तो प्रोग्रेस
कंडीशन की दो पार्ट्स हैं कि डिसीजन मेकिंग के अंदर से वही थ्रेड्स पार्टिसिपेट करें जो अपने एंट्री सेक्शन में हैं, जो एंटर होना चाहते हैं क्रिटिकल सेक्शन में, वो पार्टिसिपेट ना करें जो अपने रिमेंडर सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बी पार्ट डिसीजन मेकिंग फाइनाइट टाइम में हो जानी चाहिए। क्लियर? सर, जी यहाँ पे डिसीजन से मुराद ये है कि क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने का डिसीजन। जी बिल्कुल ऐसा ही। थर्ड कंडीशन है बाउंडेड वेटिंग। अब बाउंड होता है लिमिट। अब दो थ्रेड्स हैं, अब दोनों के दरमियान मल्टीटास्किंग हो रही है, टाइम शेयरिंग हो रही है। अब एक थ्रेड, दोनों थ्रेड रिक्वेस्ट करते हैं क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए। अब किसी एक को जो है वो परमिशन मिल जाती है और कोई एक थ्रेड उन दोनों में से एंटर हो जाता है। होगा हमेशा एक ही, ज़ाहिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। ओके, वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हुआ, उसकी इस दौरान टाइम स्लाइस ओवर हुआ, कंट्रोल दूसरे थ्रेड को मिला, दूसरे थ्रेड ने अपना टाइम सारा एंट्री सेक्शन में वाइल लूप में स्पिन होते हुए गुजार दिया। ओके, फिर वापस कंट्रोल मिला पहले थ्रेड को जो अपने क्रिटिकल सेक्शन में था, वो क्रिटिकल सेक्शन से निकला, एग्जिट सेक्शन में गया, लॉक रिलीज किया, और चूंकि उस वक्त सीपीयू उसके पास था, वो उसका फायदा उठाते हुए दोबारा एंट्री सेक्शन में आया और उसने रिक्वेस्ट कर दी एंटर होने की, और एल्गोरिथम ऐसा था या हमारा सोल्यूशन ऐसा था कि उसने उसको फिर परमिशन ग्रांट कर दी, जबकि दूसरा वेट कर रहा है, दूसरा अपने एंट्री सेक्शन में वेट कर रहा है। पहला अपने क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट हुआ और दोबारा उसने एंट्री सेक्शन में रिक्वेस्ट की और उसको परमिशन मिल गई एंटर होने की और वो एंटर हो गया। यानी कि बाकी वेट कर रहे हैं अपने एंट्री सेक्शन के अंदर और कुछ थ्रेड्स बार बार एंटर हो रहे हैं, और जो वेट कर रहे हैं उनकी वेटिंग अनबाउंडेड है, कोई पता नहीं है कि तुमने कब तक वेट करना है। तो होगा क्या, वो स्टार हो जाएंगे। स्टार का मतलब होता है उन्हें कभी सर्विस नहीं मिल पाएगी, वो एक दफा भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो पाएंगे। इसे कहते हैं स्टार स्टारवेशन, कि उन्हें सर्विस एक दफा भी नहीं मिली। और स्टार का मतलब है होता है स्टार टू डेथ ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, वो कभी भी एक दफा भी उन्हें सर्विस नहीं मिल रही, एक दफा भी उन्हें सर्विस नहीं मिली। तो जो वेटिंग है उनकी वो बाउंडेड होनी चाहिए, कोई चेक होना चाहिए हमारे एल्गोरिथम में, हमारे सॉल्यूशन के अंदर, कि जब एक ने या बाकी थ्रेड्स ने रिक्वेस्ट कर दी है एंटर होने की, तो जिसको परमिशन ग्रांट हुई है, जो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हुआ है, वो कितनी दफ़ा री एंटर हो सकता है जबकि बाकी वेट कर रहे हैं एंटर होने के लिए, कोई चेक होना चाहिए। यानी अगर मैं दो की एग्जाम्पल दूँ, तो दो थ्रेड्स ने रिक्वेस्ट की एंट्री सेक्शन के अंदर, एक को परमिशन मिल गई पहले थ्रेड को, दूसरा वेट कर रहा है। अब पहला कितनी दफ़ा री एंटर हो सकता है क्रिटिकल सेक्शन में जबकि दूसरा वेट कर रहा है, इस पे कुछ चेक होना चाहिए। हम कहते हैं ओके दो दफ़ा एंटर हो जाए, हमारा सोल्यूशन ऐसा है, वो कहता है ओके दो दफ़ा एंटर हो जाए फिर दूसरे थ्रेड को मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई चेक नहीं है, एक ही थ्रेड बार बार एंटर हो रहा है, तो दूसरा कभी एंटर नहीं हो पाएगा और वो स्टार हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशंस अगर हमारे सॉल्यूशन के अंदर हैं, तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो वैलिड सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का।
म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कोई एक थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो एट ए टाइम। प्रोग्रेस एक्चुअली डेडलॉक्स को रोकती है। डेडलॉक्स क्या होते हैं कि रिसोर्सेज मौजूद हैं लेकिन कोई भी इनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा ड्यू टू बैड सॉल्यूशन, स्टक हो गए हैं। रिसोर्सेज मौजूद हैं यानी कि सारे के सारे थ्रेड्स अब तक क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहते हैं लेकिन वो एंट्री सेक्शन में स्टक हो गए हैं, कोई भी एंटर नहीं हो पा रहा ड्यू टू द बैड सॉल्यूशन। हम द सॉल्यूशन ऐसा था जिसकी वजह से वो सारे, कोई कंडीशन ऐसी आई कि वो स्टक हो गए सारे, कोई भी एंटर नहीं हो पा रहा। और वो जो डिसीजन मेकिंग है वो टाइमली नहीं हो पा रही, इनके वो इनडेफिनेटली प्रोलॉन्ग हो गई है। जब तक सिस्टम ऑन है उस वक्त तक डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पा रही। अगर ऐसा है तो डेडलॉक है, इसका मतलब है। ए पार्ट ये कहता है कि जो थ्रेड्स एंटर होना चाहते हैं वो अपने एंट्री सेक्शन में है और एक ऐसे थ्रेड का वेट हो रहा है जो अपने रिमाइंडर सेक्शन में है। अगेन ऐसे किसी थ्रेड का वेट नहीं होना चाहिए, जो एंटर होना चाहते हैं क्विकली डिसीजन मेकिंग हो जानी चाहिए। एक ऐसे थ्रेड का वेट नहीं करना चाहिए जो अपने रिमाइंडर सेक्शन में है और वो एंट्री सेक्शन में है ही नहीं, वो एंटर होना ही नहीं चाहता। और बाउंडेड वेटिंग मीन्स का कुछ चेक होना चाहिए कि कोई थ्रेड कितनी दफ़ा अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा जबकि बाकी अपने एंट्री सेक्शन में वेट कर रहे हैं। तो ये तीन कंडीशंस हैं। अब इनमें अगर कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे बताएं, इनको अप्लाई करते हैं। सर जी सर बाउंडेड वेटिंग के अंदर हम एक थ्रेड के री एंट्रिंग पे एक कंडीशन लगा रहे हैं, मतलब उस पे वेट हाँ, लगा रहे हैं। इसमें कुछ चेक होना चाहिए। आपका सलूशन इस तरह का होना चाहिए कि वो रिस्ट्रिक्ट करे किसी थ्रेड को री एंटर होने पर, यानी कि कुछ चेक होना चाहिए कि कितनी दफ़ा री एंटर हो सकता है जबकि दूसरा वेट कर रहा है, दूसरे ने रिक्वेस्ट कर दी एंट्री एंटर होने की। हाँ, अगर दूसरा है ही नहीं, उसने कोई रिक्वेस्ट की ही नहीं है, फिर तो कोई लिमिट नहीं है, फिर तो जितनी दफ़ा चाहे एंटर हो जाए। लेकिन जब दूसरे ने रिक्वेस्ट कर दी एंटर होने की तो फिर इसके ऊपर कुछ चेक होना चाहिए कि ये कितनी दफ़ा री एंटर हो सकता है, दो दफ़ा हो सकता है, तीन दफ़ा हो सकता है। लेकिन फिर यकीनी तौर पे 3 दफ़ा एंटर होने के बाद दूसरे थ्रेड को सर्विस मिल जाएगी, ये हमें यकीन होना चाहिए। तो सर दूसरे ये थ्रेड की जो प्रॉब्लम वेटिंग है, दूसरे थ्रेड की जो है वो बाउंडेड होनी चाहिए, वो फाइनाइट होनी चाहिए। जी सर ये प्रॉब्लम प्रोग्रेस में सॉल्व नहीं हो रही जहां पे हम डिसीजन बना रहे हैं। नहीं, वो उसमें तो प्रोग्रेस में तो हम ये कह रहे हैं ना ए पार्ट में कि डिसीजन मेकिंग में सिर्फ वही पार्टिसिपेट करें, डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट ना करें जो रिमाइंडर सेक्शन में है, ठीक है। और दूसरे पार्ट में हम कह रहे हैं, बी पार्ट में हम कह रहे हैं डिसीजन मेकिंग टाइमली हो जानी चाहिए यानी कि इनफाइनाइट टाइम हो जानी चाहिए। ये वो प्रोग्रेस है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, ठीक है जिसमें सर, हम एक्चुअली उसमें एक्चुअली हम इंश्योर कर रहे हैं कि डेडलॉक ना आए, ठीक। बाउंडेड वेटिंग में हम स्टारवेशन को कैटर कर रहे हैं कि स्टारवेशन ना आए, ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसा थ्रेड है जो रिक्वेस्ट करके वेट कर रहा है और बाकी सारे एंटर होते जा रहे हैं, बार बार एंटर हो रहे हैं और वो एक दफ़ा भी एंटर नहीं हो पाया। मतलब दो थ्रेड्स हैं तो एक ही बार बार एंटर हो रहा है और दूसरा एक दफ़ा भी एंटर नहीं हो पा रहा, वो एंटर हुआ ही नहीं है तो वो स्टार हो गया। तो दिस इज द बाउंडेड वेटिंग, उसकी जो वेटिंग है वो अनबाउंडेड हो गई है। अनबाउंडेड का मतलब है कि वो जब तक है वो वेट ही करता जा रहा। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं जो सॉल्यूशन हमने लास्ट क्लास में लिखा था कि दो थ्रेड्स हैं। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन।
अगर एक अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर मौजूद है, यानी कि ये काउंट प्लस प्लस कर रहा है और डिक्रीमेंट वाला थ्रेड आता है, तो क्या वो एंटर हो सकता है? लेट्स सी। अब हम कहते हैं इंक्रीमेंट थ्रेड काउंट प्लस प्लस कर रहा है और डिक्रीमेंट थ्रेड एंटर होना चाहता है, तो वो चेक करेगा व्हाइल लॉक इज नॉट इक्वल टू जीरो। यस, क्योंकि लॉक तो वन हो चुका है, इंक्रीमेंट वाले थ्रेड ने लॉक को वन कर दिया है, लॉक को वन करके ही एंटर हुआ था वो। तो जब तक वो एग्जिट नहीं होता, उस वक्त तक लॉक जीरो नहीं होगा। तो लॉक इज नॉट इक्वल टू जीरो, यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और डिक्रीमेंट थ्रेड अपने व्हाइल लूप के अंदर आइटरेट होता रहेगा उस वक्त तक जब तक इंक्रीमेंट वाला थ्रेड एग्जिट सेक्शन में जाके लॉक को जीरो नहीं करता। जैसे ही लॉक को जीरो करेगा, तो डिक्रीमेंट थ्रेड के अंदर ये लूप ब्रेक हो जाएगा और वो लॉक एक्सेप्ट करके अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। जब डिक्रीमेंट थ्रेड काउंट माइनस माइनस कर रहा होगा, मीन्स वो अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होगा। जब डिक्रीमेंट थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होगा, तो इंक्रीमेंट वाला थ्रेड एंटर होना चाहेगा तो नहीं हो पाएगा, वो लॉक अपने एंट्री सेक्शन के अंदर स्टक हो जाएगा, यानी कि उस लूप में स्टक हो जाएगा। लॉक इज नॉट इक्वल टू जीरो, यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो यहाँ पे स्टक हो जाएगा उस वक्त तक जब तक डिक्रीमेंट थ्रेड एग्जिट नहीं करता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो रही है। और लास्ट क्लास में जब हमने इस प्रोग्राम को चला के देखा था, तब भी हमने देखा था कि हमें काउंट की फाइनल वैल्यू जीरो मिल रही थी, जो इस चीज़ का सबूत है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव हुई है। क्योंकि अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव ना होती, तो हमें काउंट की वैल्यू ठीक ना मिलती। ओके, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गई। सेकंड कंडीशन है बाउंडेड, दैट इज द प्रोग्रेस। प्रोग्रेस फर्स्ट पार्ट ये है कि जो थ्रेट अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहता है, डिसीजन मेकिंग सिर्फ उन्हीं के दरमियान हो। जो एंटर नहीं होना चाहते, उनका वेट ना किया जाए। ओके, वन बाय वन हम एज्यूम करते हैं कि इंक्रीमेंट थ्रेड है, डिक्रीमेंट थ्रेड नहीं है, इंक्रीमेंट थ्रेड एंटर हो सकता है। वन बाय वन सब कुछ चेक कर लेते हैं। ओके, से अज्यूम करेंगे डिक्रीमेंट थ्रेड अपने रिमाइंडर सेक्शन में है, वो अपने एंट्री सेक्शन में नहीं है। इंक्रीमेंट वाला थ्रेड आया, उसने चेक किया, लॉक इज नॉट इक्वल टू जीरो, यस, कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि सॉरी फॉल्स हो गई क्योंकि लॉक इनिशियली जीरो है। लॉक इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप ब्रेक हुआ, उसने लॉक को सेट किया और वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया। अब इंक्रीमेंट थ्रेड ने डिक्रीमेंट वाले थ्रेड का इंतजार नहीं किया, तो इसका मतलब है कि यहाँ तो प्रोग्रेस सेटिस्फाई हो रही है। अब डिक्रीमेंट के लिए यही चीज़ वेरीफाई करनी है कि डिक्रीमेंट थ्रेड आता है जबकि इंक्रीमेंट थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होना चाहता, वो अपने रिमाइंडर सेक्शन में। डिक्रीमेंट थ्रेड ने उसका वेट नहीं करना, अगर उसने उसका वेट नहीं किया तो इसका मतलब है प्रोग्रेस पार्ट वन इज सेटिस्फाइड। डिक्रीमेंट थ्रेड आया, उसने चेक किया, व्हाइल लॉक इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि लॉक इनिशियली जीरो है, लूप ब्रेक हुआ, डिक्रीमेंट थ्रेड ने लॉक की वैल्यू सेट की और अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया। ओके, अब हमने वन बाय वन दोनों को रन करके देखा। हमने कहा कि सिर्फ इंक्रीमेंट थ्रेड है, डिक्रीमेंट थ्रेड मौजूद ही नहीं है, या डिक्रीमेंट थ्रेड जो है वो अपने रिमाइंडर सेक्शन में है, तो क्या उसका वेट किया जाएगा? उसका वेट बिल्कुल नहीं किया गया। जो थ्रेड मौजूद थे, जो एंटर होना चाहते थे, सिर्फ उन्हीं के दरमियान डिसीजन मेकिंग हुई और कोई एक थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया। इंक्रीमेंट थ्रेड अकेला था तो डिसीजन मेकिंग हो गई और वो एंटर हो गया। अगर इंक्रीमेंट थ्रेड अकेला होने के बावजूद ना एंटर हो सके, अकेला होने के बावजूद एंटर ना हो सके और ऐसे थ्रेड का वेट किया जा रहा हो जो अपने रिमाइंडर सेक्शन में है,
तो इसका मतलब है कि बाउंडेड प्रोग्रेस पार्ट वन इज नॉट सेटिस्फाइड। आगे चल के एक एग्जाम्पल आएगी जिसमें हम देखेंगे ऐसा कैसे होता है। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं प्रोग्रेस की। कोई ऐसा सिनेरियो लगाएं जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग इनडेफिनेटली प्रोलॉन्ग हो जाए। अब गौर कीजिएगा, इधर देखें कि दोनों सेक्शन दोनों थ्रेड्स अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि ये दोनों कंडीशन दोनों तरफ लॉग स्टक हो जाए। इज इट पॉसिबल कि दोनों अपने लूप में स्टक हो जाए? सर नहीं, इस केस में तो नहीं लग रहा। नहीं लग रहा ना? जैसे लॉग की वैल्यू अगर चेक की कि लॉग इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये फॉल्स हो गई और उसने लॉग को सेट कर दिया। और यहां से एक और म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट होती नजर आ रही है आपको? कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो रही हो? मैं प्रोग्रेस की बी पे तो आता हूँ। वो प्रोग्रेस की बी जो बी पार्ट है वो सेटिस्फाई हो रहा है, जो डिसीजन मेकिंग है वो टाइमली हो जाती है। मुझे एक चीज नजर आई है कि यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो रही है। कैसे? इंक्रीमेंट थ्रेड आया, इसने अपनी कंडीशन चेक की, वाइल लॉक इज नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन फॉल्स हुई। कंडीशन फॉल्स हुई, लूप ब्रेक हुआ। जैसे ही लूप ब्रेक हुआ कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, कंट्रोल दूसरे थ्रेड को दे दिया गया, डिक्रीमेंट को। जाहिर है टाइम शेयरिंग हो रही है दोनों के दरमियान। अब डिक्रीमेंट थ्रेड ने भी कंडीशन चेक की, व्हाइल लॉक इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां भी लॉक की वैल्यू चूंकि अभी अपडेट हुई नहीं थी, जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स हो गई, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। इसने लॉक को वन कर दिया और ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया। डिक्रीमेंट थ्रेड के पास जब कंट्रोल आया, उसने भी लॉक को वन किया और वो भी अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो गया। दोनों थ्रेड्स अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो गए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो गई। अब हम कहेंगे, आप कहेंगे कि हमने जब चला के देखा था तब तो वायलेट नहीं हुई थी। हमने कोई एक ऐसी पॉसिबिलिटी ढूंढनी होती है जिसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो रही हो। जरूरी नहीं होता कि वो हमेशा वायलेट हो जब कोर्ट चले, लेकिन हमने जब एवेल्युएट करना है अपने एल्गोरिथम को, तो तब हमने वो ऐसा केस ढूंढना है जिस केस के अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो रही हो। और हम स्पीड पर कोई अजम्पशन नहीं रखेंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विच कहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो कौन सा थ्रेड पहले चलेगा कौन सा बाद में, क्या टाइम स्लाइस होगा, इस पर किसी किस्म की कोई अजम्पशन नहीं है। कभी भी कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सकता है। हमारा वैलिड सॉल्यूशन जो है वो हर तरह के केसेस को कैटर करता है, और अगर एक भी फेलियर केस है, कोई एक भी पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो रही है, तो वो वैलिड सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाए, इस कंडीशन को चेक होने के बाद कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, कभी यहाँ पे टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया, तो
तो म्यूचुअल एक्सेस इनवायलेट हो जाएगी, क्योंकि ये भी ये लूप ब्रेक होने के बाद कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, ये लूप भी ब्रेक हो गया, दोनों अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएंगे। तो इट इज नॉट अ वैलिड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो रही है। एक केस ऐसा हमने ढूंढ लिया जिसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो रही है, और आपने भी ऐसा केस ढूंढना है जहां पर वो एल्गोरिथम फेल हो रहा हो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो रही हो। प्रोग्रेस, अपेरेंटली दोनों पार्ट्स उसके सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं बाउंडेड वेटिंग की, द थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये है कि हम कहते हैं कि दोनों थ्रेड्स आए, दोनों के दरमियान डिसीजन मेकिंग हुई, इंक्रीमेंट थ्रेड से अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया और डिक्रीमेंट थ्रेड लूप में स्टक है, वो वेट कर रहा है, वो वाइल लूप में ही आइटरेट हो रहा है। जब एग्जिट सेक्शन में आया तो कंट्रोल उस वक्त इंक्रीमेंट सेक्शन के पास था, वो एग्जिट हुआ, चूंकि ये लूप में थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो इस चीज़ का फायदा उठाते हुए कि सीपीयू उसके पास है, वो दोबारा आया जबकि ये वेट कर रहा है, जबकि ये अपने यहाँ पर वेट कर रहा है। उसने लॉक को रिलीज किया, इंक्रीमेंट ने दोबारा लॉक चेक किया, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई, उसने लॉक दोबारा सेट किया और री एंटर हो गया अपने क्रिटिकल सेक्शन में, जबकि दूसरा लूप में वेट कर रहा था। चूंकि दोनों एक ही सीपीयू लगा हुआ है, दोनों के दरमियान टाइम शेयरिंग हो रही है, तो एक वक्त में कोई एक एग्जीक्यूट होगा, इस चीज़ का फायदा उठाते हुए इंक्रीमेंट वाला थ्रेड एग्जिट हुआ और दोबारा एंट्री सेक्शन में जाके उसने रिक्वेस्ट कर दी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने की और वो एंटर हो गया। वो फिर एग्जिट होगा, वो फिर एग्जिट हुआ, दोबारा उसने रिक्वेस्ट की, वो फिर एंटर हो गया। इसका मतलब है कि कोई चेक नहीं है तो बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई नहीं हो रही, वो जितनी दफा चाहे एंटर हो सकता है, जबकि दूसरा अपने वाइल लूप में वेट कर रहा है। होना तो ये चाहिए ना कि अगर एक ने दो थ्रेड्स हैं, दोनों ने एंट्री सेक्शन में रिक्वेस्ट की, किसी एक को परमिशन मिल गई, वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हुआ, अब अगर वो दोबारा एंटर होना चाहता है तो ना एंटर हो सको, वो दोबारा एंटर ना हो सके क्योंकि दूसरे थ्रेड ने रिक्वेस्ट कर दी हुई है, दूसरा थ्रेड वेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वो बार बार एंटर हो सकता है, तो यहाँ पे प्रोग्रेस भी वायलेट हो रही है, सॉरी बाउंडेड वेटिंग भी वायलेट हो रही है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का भी हमने एक केस निकाल लिया जिसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो रही है और बाउंडेड वेटिंग भी वायलेट हो रही है। बाउंडेड वेटिंग समझ आई है ना, थोड़ी सी ट्रिकी है, उसको समझें सिनेरियो को, कि दो थ्रेड्स हैं, दोनों ने रिक्वेस्ट की, परमिशन किसी एक को मिलनी है, दोनों को मिल नहीं सकती क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो जाएगी, कोई एक एंटर हुआ। अब हम एज्यूम करते हैं कि सीपीयू एक लगा हुआ है तो टाइम शेयरिंग हो रही है। अब एक अपने क्रिटिकल सेक्शन में गया, एग्जिट हुआ, वापस उसने रिक्वेस्ट की और हमारा सोल्यूशन ऐसा था, उसने दोबारा उसको परमिशन दे दी एंटर होने की, वो फिर एग्जिट हुआ, फिर एंटर हो गया, फिर एग्जिट हुआ, फिर एंटर हो गया। अगर वो बार बार एंटर हो जाएगा तो दूसरा कभी भी एंटर नहीं हो पाएगा और स्टार्व हो जाएगा, जैसा कि इस केस में हो रहा है। इंक्रीमेंट थ्रेड एग्जिट होता है और रिक्वेस्ट करके दोबारा एंटर हो सकता है, हमारा सोल्यूशन उसे रोक नहीं रहा जबकि दूसरे ने रिक्वेस्ट की भी है, दूसरा अपने वाइल लूप में था, तो बाउंडेड वेटिंग यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो दो कंडीशंस वायलेट हो रही हैं, एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमेशा नहीं होती, जला के देखेंगे ये ठीक चलेगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच कभी यहाँ पर हो गया, टाइम स्लाइस अगर कभी वाइल कंडीशन
वाइल लूप टर्मिनेट होने के बाद हुआ तो दोनों अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये वैलिड सॉल्यूशन नहीं है, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वायलेट कर रहा है। ओके, एक और एल्गोरिथम देखते हैं। इसमें हमने फ्लैग एक एरे रख दिया, फ्लैग दो एलिमेंट्स का, दो थ्रेड्स हैं, थ्रेड वन एंड टू। ओके, दोनों अपने अपने फ्लैग को ट्रू करके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होते हैं। अब आपने तीनों कंडीशंस इसके ऊपर अप्लाई करके देखना है कि क्या ये वैलिड सॉल्यूशन है। सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए देखते हैं। ओके, पहला थ्रेड आया, उसने अपने फ्लैग को ट्रू किया जो इंडेक्स जीरो पे था। उसके बाद उसने चेक किया कि दूसरा थ्रेड तो एंटर नहीं होना चाहता। अगर दूसरा थ्रेड एंटर होना चाहता है, उसने अपने फ्लैग को सेट किया हुआ है, फ्लैग ऑफ वन अगर सेट है तो वो वाइल लूप में आइट्रेट होता रहे और उसके क्लियर होने का वेट करे। अगर दूसरे थ्रेड ने अपने फ्लैग को सेट नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होना चाहता, तो ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाए। जब ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में होगा, थ्रेड नंबर वन जब अपने क्रिटिकल सेक्शन में होगा, तो थ्रेड नंबर टू क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा व्हाइल फ्लैग ऑफ जीरो इज सेट, यस इट इज सेट, क्योंकि उसने सबसे पहले स्विच सेट किया था, उसे ट्रू किया था, तो दूसरा थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकेगा। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाई हो रही है। जब इसको चेक करने का तरीका यह है कि आप देखें कि अगर एक थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में है तो क्या दूसरा हो सकता है, और ये फिर दूसरे म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे सेटिस्फाइड हो रही है सर, दोबारा बताइए। आप जरा इसको करें, ड्राई रन करें। थ्रेड वन को देखें कि उसने अपने सबसे पहले उसने फ्लैग को ट्रू किया अपने ये सर एरे के, फ्लैग ठीक के जीरो इंडेक्स को ट्रू किया है, उसने। अपने जीरो इंडेक्स को जी ट्रू सर। किया। उसके बाद उसने चेक किया कि इंडेक्स नंबर वन ट्रू है, यस सर। ट्रू है। अगर अगर वो अगर तो थ्रेड टू ने उसको ट्रू किया हुआ है तब तो वेट करेगा, फिर तो वेट एंटर नहीं होगा। इसका मतलब है कि थ्रेड टू अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो चुका है या होना चाहता है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। इसी तरह थ्रेड थ्रेड नंबर टू भी ऐसे ही करेगा, वो भी चेक कर लेगा दूसरे के इंडेक्स को कि अगर उस वो सेट है तो थ्रेड नंबर टू भी एंटर नहीं होगा। सर इसका भी सिनेरियो ऑलमोस्ट वही बन रहा है जो भी हमने पिछला एल्गोरिदम पढ़ा है। हाँ, देखते हैं इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो रही है कहीं, कोई ऐसा सिनेरियो जिसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो जाए, क्योंकि इसमें जो फ्लैग है वो पहले सेट हो रहा है, उसमें बाद में हो रहा था, ठीक हो गया, इसमें ठीक पहले है सर। सेट होता है, तो इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट नहीं हो रही इसमें। तो उसी चीज को कैटर किया गया है। उसमें क्या होता था कि कंडीशन चेक होने के बाद अगर जैसे ही लूप ब्रेक होता है अगर फॉरन कॉन्टेक्ट स्विच हो जाए तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो सकती थी। इसमें चूंकि लॉक पहले एक्वायर हो रहे हैं, लॉक पहले सेट हो रहे हैं, कंडीशन बाद में चेक हो रही है, तो लिहाजा इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो वायलेट नहीं हो रही, वो वाला सीन स्नैरियो नहीं आ रहा। अब हम चेक करते हैं बाकी कंडीशंस के लिए, प्रोग्रेस के लिए। प्रोग्रेस फर्स्ट पार्ट इंडिपेंडेंटली चला के देखते हैं, दूसरा थ्रेड को अज्यूम करें कि वो दूसरा थ्रेड नहीं है, पहला थ्रेड क्या क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है? उसने जीरो इंडेक्स को ट्रू किया, उसके बाद चेक किया इंडेक्स नंबर वन सेट है, नो इट इज नॉट सेट, क्योंकि दूसरा थ्रेड तो है ही नहीं, वो अपने रिमाइंडर सेक्शन में है, तो पहला थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया, फाइन। अब हम इंडिपेंडेंटली थ्रेड नंबर टू को देखते हैं, पहला थ्रेड अपने रिमाइंडर सेक्शन में, थ्रेड नंबर टू आया, उसने इंडेक्स नंबर वन को ट्रू किया, चेक किया इंडेक्स नंबर जीरो इज सेट,
नो इट इज नॉट, व्हाइल लूप ब्रेक हुआ और वो भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया, यानी कि दोनों इंडिपेंडेंटली दूसरे का वेट किए बगैर अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकते हैं। इसका मतलब है प्रोग्रेस पार्ट वन इज सेटिस्फाइड। पार्ट टू को देखते हैं, अगर ये दोनों आ जाएं तो क्या डिसीजन मेकिंग टाइमली हो जाती है? इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम चेक करें जरा। ओके, थ्रेड सर नंबर वन आया, उसने अपने इंडेक्स को ट्रू कर दिया, यानी कि इंडेक्स नंबर जीरो को ट्रू कर दिया। कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, या एट द सेम टाइम दूसरे प्रोसेसर पे थ्रेड वन एग्जीक्यूट थ्रेड टू एग्जीक्यूट हो रहा था, उसने अपने इंडेक्स को यानी कि इंडेक्स नंबर वन को ट्रू कर दिया, इंडेक्स नंबर जीरो भी ट्रू हो गया और इंडेक्स वन भी ट्रू हो गया। थ्रेड नंबर वन ने अपना लूप चेक किया कि वाइल फ्लैग ऑफ वन इज सेट यस, थ्रेड टू ने अपनी कंडीशन चेक की वाइल फ्लैग ऑफ जीरो इज सेट यस, दोनों वाइल लूप में कंडीशंस ट्रू हो गई, यानी कि थ्रेड नंबर वन का वाइल लूप में भी कंडीशन थी वो भी ट्रू हो गई और थ्रेड नंबर टू में के वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन थी वो भी ट्रू हो गई। अब ये फॉल्स नहीं होंगी कभी भी, क्योंकि फॉल्स हो रही है ये एग्जिट सेक्शन में जाके, दोनों फॉल्स होने का वेट करते रहेंगे और डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी, इनडेफिनेटली प्रोलॉन्ग हो जाएगी। यानी कि रिसोर्सेज मौजूद हैं और कोई भी नहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, कोई भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो पा रहा, दिस इज कॉल्ड डेड लॉक। तो प्रोग्रेस पार्ट टू वायलेट हो रही है, तो इट इज नॉट अ वैलिड सोल्यूशन। कैसे वैलिड नहीं है? व्हाइल लूप ट्रू हो रहा है, दोनों में कंडीशन सेम सेम टाइम पे ट्रू हो रही है, दोनों फ्लैग सेट हो गए हैं। इसका मतलब है कि प्रोग्रेस पार्ट टू सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो यहीं पर हम कह देंगे इट्स नॉट अ वैलिड सोल्यूशन। अब बाउंडेड वेटिंग को भी चेक कर लेते हैं। हम कहते हैं कि थ्रेड नंबर वन अपने क्रिटिकल सेक्शन पे था, जबकि दूसरा थ्रेड जो है वो अपने वाइल लूप में इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है, टाइम शेयरिंग हो रही है इन दोनों के दरमियान। थ्रेड नंबर वन अपने एग्जिट सेक्शन में जाता है, अपने फ्लैग को फॉल्स करता है, चूंकि सीपीयू उसके पास था वो रिमाइंडर सेक्शन में आया और दोबारा उसने रिक्वेस्ट कर दी एंटर होने की, तो क्या वो एंटर हो सकता है? जबकि दूसरा वेट कर रहा है, थ्रेड नंबर टू व्हाइल लूप में स्टक यस है, तो सर क्या ये एंटर हो सकता है? नो। कैसे? थ्रेड नंबर टू अपने व्हाइल लूप में वेट कर रहा है, इसका मतलब है उसने अपने फ्लैग को सेट किया होगा, अपने इंडेक्स नंबर वन को ट्रू किया होगा। थ्रेड नंबर वन एग्जिट होता है, दोबारा अपने फ्लैग को ट्रू करता है और कंडीशन चेक करता है फ्लैग ऑफ वन इज सेट, यस इट इज। अब वो एंटर नहीं हो सका, वो दोबारा एंटर नहीं हो सका, जैसा कि पहले सेशन में हो रहा था, अब नहीं हो सका। तो वी कैन से कि बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई हो रही है, कोई थ्रेड री एंटर उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक मतलब कि री एंटर नहीं हो सकता अगर कोई दूसरा थ्रेड वेट कर रहा है। तो ये सोल्यूशन दो थ्रेड्स के लिए हमने देखा कि जब थ्रेड टू वेट कर रहा है अपने एंट्री सेक्शन में, वाइल लूप के अंदर आइट्रेट हो रहा है, तो थ्रेड वन री एंटर नहीं हो पाया। इसी तरह थ्रेड नंबर वन अगर वाइल लूप में स्टक हो, वेट कर रहा हो थ्रेड टू के एग्जिट होने का, तो थ्रेड टू भी री एंटर नहीं हो पाएगा। मीन्स कि बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाइड है, लेकिन वो और बात है कि प्रोग्रेस कंडीशन टू वायलेट होने की वजह से डेड लॉक आ रहा है। तो वो जो प्रॉब्लम आ रही है, जो डेड लॉक आ रहा है, वो एक्चुअली प्रोग्रेस कंडीशन टू वायलेट हो रही है।
तो म्यूचुअली एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड है, प्रोग्रेस पार्ट वन इज सेटिस्फाइड, पार्ट टू वायलेट हो रहा है, बाउंड्री वेटिंग इज सेटिस्फाइड, लेकिन अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो रही है तो दिस एल्गोरिथम इज नॉट अ वैलिड सॉल्यूशन। ओके, एल्गोरिथम टू देखते हैं। अब हमने एक टर्न वेरिएबल ले लिया है जिसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान टॉगल करेगी, या तो वैल्यू उसकी 0 होगी या 1 होगी। अब हम वो जो प्रोग्रेस पार्ट टू वायलेट हो रहा था उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। टर्न इज इक्वल टू 0 है, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीट हो रही है। ओके, सबसे पहले हम कहते हैं कि थ्रेड वन एंटर होता है, थ्रेड वन जो लेफ्ट साइड पे है दैट इज द थ्रेड वन, और राइट साइड वाला थ्रेड टू है। ओके, थ्रेड वन आया, उसने देखा टर्न इज नॉट इक्वल टू 0, टर्न इज नॉट इक्वल टू 0, टर्न तो 0 है, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई और वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया। जब ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में है तो क्या दूसरा एंटर हो सकता है? लेट्स सी। दूसरा थ्रेड आया, उसने देखा 0 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो गई और वो लूप में ही स्टक हो गया। इसी तरह अगर थ्रेड नंबर 2 अपने क्रिटिकल सेक्शन में होता तो इसका मतलब था कि टर्न की वैल्यू 1 है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती तो ये अपने लूप में स्टक हो जाता। तो टर्न की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, तो एक ही वाइल लूप जो है वो एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है, या तो वो 0 के इक्वल होगा या नहीं होगा, 1 के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो कोई एक कंडीशन ही फॉल्स होगी, तो कोई एक थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो एग्जिस्ट कर रही है, वो तो मीट हो रही है, प्रोग्रेस की बात करते हैं, प्रोग्रेस पार्ट वन। ओके, हम इंडिपेंडेंटली दोनों को चला के देखते हैं। थ्रेड नंबर 1 आया जबकि थ्रेड 2 अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होना चाहता, वो अपने रिमेंडर सेक्शन में। थ्रेड 1 ने कंडीशन चेक की, टर्न इज नॉट इक्वल टू 0, मीन 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई और वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया टर्न दूसरे थ्रेड का वेट किए बगैर। फाइन, अब हम दूसरे थ्रेड के लिए चेक कर लेते हैं। थ्रेड नंबर 2 आया, उसने चेक किया टर्न इज नॉट इक्वल टू 1, मीन 0 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू होगी। क्या मतलब कि थ्रेड नंबर 2 तो इस वक्त तो सिर्फ थ्रेड नंबर 2 ही है, बाकी तो सारे अपने रिमाइंडर सेक्शन में है। थ्रेड नंबर 2 अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहता है, टर्न वेरिएबल की वैल्यू 0 है, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो गई और वो अपने लूप में स्टक हो गया। अब वो कब तक स्टक रहेगा, ये डिसीजन मेकिंग कब तक नहीं हो पाएगी? जब तक थ्रेड नंबर 1 नहीं आ जाता, वो भी रिक्वेस्ट करता, वो नहीं, यानी कि जब तक थ्रेड नंबर 1 नहीं आता और वो रिक्वेस्ट नहीं करता, जब वो रिक्वेस्ट करेगा तो फिर डिसीजन मेकिंग में फैसला जो है वो थ्रेड नंबर 1 के हक में हो जाएगा, क्योंकि वो एंटर हो जाएगा, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएगा। और जब वो एग्जिट होगा तो फिर थ्रेड नंबर 1 एंटर होगा। देखा, यानी कि आप खुद देखें, थ्रेड नंबर 2 आता है जबकि थ्रेड नंबर 1 अपने रिमाइंडर सेक्शन में, थ्रेड नंबर 2 अकेला आता है और वो एंटर नहीं हो पाता।
क्योंकि डिसीजन मेकिंग में एक ऐसे थ्रेड का वेट किया जा रहा है जो अपने रिमाइंडर सेक्शन में है, वो आएगा, फिर डिसीजन मेकिंग होगी और वो भी उसी के हक में हो जाएगी, फिर वो एंटर होगा। चलो वो किसी के भी हक में हो, लेकिन एक्चुअली उसका वेट तो किया जा रहा है। हमने क्या कहा था प्रोग्रेस कंडीशन वन में कि डिसीजन मेकिंग में सिर्फ वही थ्रेड पार्टिसिपेट करेंगे जो अपने एंट्री सेक्शन में है, जो रिमाइंडर सेक्शन में है उनका वेट नहीं किया जाएगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं। थ्रेड नंबर टू एंटर नहीं हो पा रहा, थ्रेड नंबर टू अकेला है, सिर्फ थ्रेड नंबर टू ही अपने एंट्री सेक्शन में है, थ्रेड नंबर वन अपने एंट्री सेक्शन में नहीं है, वो रिमाइंडर सेक्शन में है, लेकिन स्टिल थ्रेड नंबर टू अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो पा रहा, वो अपने एंट्री सेक्शन में ही है और डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही। डिसीजन मेकिंग में एक ऐसे थ्रेड का वेट किया जा रहा है जो अपने रिमाइंडर सेक्शन में है, वो आएगा, फिर डिसीजन मेकिंग होगी, फिर एक थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और जब वो एग्जिट होगा तो फिर दूसरा अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। यानी कि स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन है इसके अंदर, स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन है, पहले एक एंटर होता है फिर दूसरा, एक के बाद दूसरा एंटर ही नहीं हो सकता इसकी एक समझ के। समझ नहीं है क्यों आप वेट इसको की ट्राई रन करें, आप ड्राई रन करें इससे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे थ्रेड नंबर वन जो है, जो कि लेफ्ट साइड पे है, वो तो उसे इंडिपेंडेंटली चला के देखें, वो तो एंटर हो जाता है। 10 की वैल्यू 0 है, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई और लेफ्ट साइड पे जो थ्रेड था, थ्रेड नंबर वन, वो एंटर हो गया। फाइन, अब हम यही अप्लाई करते हैं थ्रेड नंबर टू के ऊपर। हम कहते हैं थ्रेड नंबर टू अकेला है और वो एंटर होना चाहता है, क्या वो एंटर हो पाएगा? 0 इज नॉट नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो गई, थ्रेड नंबर टू एंटर नहीं हो पाया। क्यों नहीं एंटर हो पाया? दूसरा दूसरा थ्रेड तो अपने रिमाइंडर सेक्शन में, यानी कि पहला थ्रेड तो अपने थ्रेड नंबर वन तो अपने रिमाइंडर सेक्शन में है, तो थ्रेड नंबर टू एंटर क्यों नहीं हो पाया? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोग्रेस पार्ट वन वायलेशन। प्रोग्रेस कंडीशन का जो पार्ट वन है वो वायलेट हो रहा है। उसमें तो हमने कहा था कि डिसीजन मेकिंग में सिर्फ वो थ्रेड पार्टिसिपेट करेंगे जो अपने एंट्री सेक्शन में है, वो थ्रेड पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जो अपने रिमाइंडर सेक्शन में है, लेकिन फिर यहाँ पर पार्टिसिपेट हो क्यों कर रहा है थ्रेड नंबर जीरो वन? देखिए डिसीजन मेकिंग उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक थ्रेड नंबर वन नहीं आएगा, उस वक्त तक देखें डिसीजन मेकिंग नहीं होती। थ्रेड नंबर टू स्टक हो जाता है अपने व्हाइल लूप में, कब तक? जब तक थ्रेड नंबर वन नहीं आता, थ्रेड नंबर वन आएगा, फिर डिसीजन मेकिंग होगी, थ्रेड नंबर वन अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, फिर एग्जिट करेगा, तो फिर थ्रेड नंबर टू एंटर होगा। थ्रेड नंबर टू एग्जिट करेगा तो वन एंटर होगा, यानी कि स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन है, पहले एक एंटर होगा फिर दूसरा, एक के बाद एक दोबारा एंटर नहीं हो सकता। बाउंडेड वेटिंग भी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन है। उस स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन की बेस पर बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन प्रोग्रेस पार्ट वन इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड। ये समझ आइए? तो मैंने आपको तीन सॉल्यूशन दिखाए। पहला सॉल्यूशन जो हमने कल लिखा था, उसके अंदर म्यूचुअल एक्चुअली इनवायलेट हो रही है और बाउंडेड वेटिंग वायलेट हो रही है। फिर एल्गोरिथम वन जो हमने आज देखा, दिस वन, इसके अंदर प्रोग्रेस पार्ट टू वायलेट हो रही है और एल्गोरिथम टू इसके अंदर प्रोग्रेस पार्ट वन वायलेट हो रहा है। बाकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी सेटिस्फाई हो रही है, प्रोग्रेस पार्ट टू भी सेटिस्फाई हो रहा है और बाउंडेड वेटिंग भी सेटिस्फाई हो रही है। इसको आपने समझना है, इसको ड्राई रन करके देखना है आपने कि ये कंडीशंस को कैसे चेक करते हैं और ये किस तरह वायलेट होती है। ओके, एल्गोरिथम थ्री के अंदर हमने एल्गोरिथम वन और टू को मर्ज कर दिया है,
दोनों को मर्ज कर दिया है, जो पहले दो हमने देखे हैं आज उन दोनों को मर्ज कर दिया है। इसमें टर्न भी है और फ्लैग्स भी हैं। अब सिंपली जो अगर मैं कहता हूँ थ्रेड नंबर वन अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहता है, तो वो अपने फ्लैग को ट्रू करेगा और टर्न को वन कर देगा और चेक करेगा व्हाइल दूसरे थ्रेड का, यानी के फ्लैग ऑफ वन इज ट्रू एंड टर्न इज इक्वल टू वन। टर्न को तो उसने खुद वन किया है, ये पार्ट तो उसका ट्रू हो जाएगा, लेकिन दूसरा पार्ट तब ट्रू होगा जब दूसरा थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहता है। अगर दूसरा थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहता है, तो उसका फ्लैग वन हो जाएगा, यानी कि उसका जो फ्लैग है वो सेट हो जाएगा। टर्न वेरिएबल तो इसने खुद वन किया है, तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी और व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप आइटरेट होना शुरू हो जाएगा। ओके, क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट होने पर वो फ्लैग ऑफ जीरो को फॉल्स कर देगा और रिमाइंडर सेक्शन में चला जाएगा। अब हम रन करके देखते हैं कि इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन और बाकी जो कंडीशंस हैं वो मीट हो रही हैं या नहीं। ओके, ये दोनों थ्रेड्स अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहते हैं। वन बाय वन की एक एक स्टेटमेंट को चला के देखते हैं। दोनों अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहते हैं। इसने अपने फ्लैग को ट्रू कर दिया, एट द सेम टाइम इसने अपने फ्लैग को ट्रू कर दिया, या सेम टाइम पे नहीं करते हम इनको वन बाय वन चलाते हैं। इसने अपने फ्लैग को ट्रू कर दिया, फ्लैग एट इंडेक्स जीरो इज ट्रू, फ्लैग इंडेक्स वन इज ट्रू। इसने टर्न को वन कर दिया, इसने टर्न को जीरो कर दिया, फाइनली टर्न की वैल्यू जीरो है, जो बाद में अपडेट होगी वो फाइनल होगी। इसने चेक किया फ्लैग ऑफ वन इज सेट, यस, एंड टर्न इज इक्वल टू वन, टर्न वन है, नो, टर्न इज जीरो, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, थ्रेड नंबर वन अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया। यहाँ पर फ्लैग ऑफ जीरो इज सेट, यस, टर्न इज इक्वल टू वन, टर्न इज इक्वल टू जीरो, यस, दोनों पार्ट ट्रू हो गए, ये व्हाइल लूप आइट्रेट होना शुरू हो गया। अब एक जो थ्रेड नंबर वन है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर मौजूद है, थ्रेड नंबर टू जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकेगा तब तक जब तक थ्रेड नंबर वन एग्जिट नहीं होता, वो अपने लूप में आइट्रेट हो रहा है थ्रेड नंबर टू। ओके, थ्रेड नंबर वन एग्जिट सेक्शन के अंदर अपने फ्लैग को फॉल्स किया और वो रिमाइंडर सेक्शन में चला गया। जब कंट्रोल इसके पास आया थ्रेड नंबर टू के पास, थ्रेड नंबर टू ने देखा फ्लैग ऑफ जीरो इज ट्रू और फॉल्स, इट इज फॉल्स, दरमियान में लॉजिकल एंड है, तो पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई और वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया। ये इसकी वर्किंग थी। अब हम देखते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जब एक थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में होगा तो दूसरा एंटर नहीं हो पाएगा, करके देख लें म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। प्रोग्रेस पार्ट वन, इंडिपेंडेंटली दोनों को चला के देखते हैं। अगर दोनों इंडिपेंडेंटली एंटर हो जाते हैं अपने क्रिटिकल सेक्शन में, तो इसका मतलब है प्रोग्रेस पार्ट वन भी सेटिस्फाइड है। ओके, सबसे पहले लेफ्ट वाला थ्रेड नंबर वन के लिए करके देखते हैं। ओके, थ्रेड नंबर टू अपने रिमाइंडर सेक्शन में वो अभी एंटर नहीं होना चाहता, तो देखते हैं क्या थ्रेड नंबर वन एंटर हो सकता है। थ्रेड नंबर वन ने अपने फ्लैग को ट्रू किया, फ्लैग ऑफ जीरो इज इक्वल टू ट्रू, टर्न इज इक्वल टू वन। अब उसने कंडीशन चेक की फ्लैग ऑफ वन इज इक्वल इज सेट एंड टर्न इज इक्वल टू वन, तो टर्न इज इक्वल टू वन ये पार्ट तो उसका ट्रू हो गया, लेकिन फ्लैग ऑफ वन इज नॉट सेट, तो कंडीशन फॉल्स हो गई और थ्रेड नंबर वन अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया। अब यही काम करके देखते हैं थ्रेड नंबर टू के लिए।
क्या वो भी इंडिपेंडेंटली एंटर हो सकता है? अगर इंडिपेंडेंटली एंटर हो सकता है तो इसका मतलब है प्रोग्रेस पार्ट वन इज सेटिस्फाइड। ओके, थ्रेड नंबर टू ने अपने फ्लैग को सेट किया, फ्लैग ऑफ वन इज इक्वल टू ट्रू, टर्न इज इक्वल टू जीरो, फ्लैग ऑफ जीरो को देखा और साथ उसने टर्न इज इक्वल टू जीरो देखा, तो टर्न इज इक्वल टू जीरो है लेकिन फ्लैग ऑफ जीरो इज नॉट सेट, कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई और वो भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया। दोनों थ्रेड्स इंडिपेंडेंटली अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकते हैं। अगर दूसरा थ्रेड अपने रिमाइंडर सेक्शन में हो तो पहला थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है, तो इसका मतलब है प्रोग्रेस पार्ट वन सेटिस्फाई हो रही है। प्रोग्रेस पार्ट टू को देखते हैं कि क्या डिसीजन मेकिंग टाइमली हो जाता है अगर ये दोनों सेम टाइम पे आ जाए। ओके, अगर ये दोनों कंडीशंस वाइल की कंडीशंस दोनों लूप दोनों थ्रेड्स के अंदर ट्रू हो जाएं सेम टाइम पर, तो प्रोग्रेस पार्ट टू वायलेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, इसने अपने फ्लैग को ट्रू किया, उसके बाद इसने फ्लैग ऑफ वन को ट्रू कर दिया, टर्न को इसने वन किया, इसने टर्न को वापस जीरो कर दिया। अब चेक हुआ, फ्लैग ऑफ वन इज सेट, यस, टर्न इज इक्वल टू वन, यस, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरे थ्रेड में देखते हैं, फ्लैग ऑफ जीरो इज ट्रू, यस, टर्न इज इक्वल टू जीरो, नहीं यहाँ पर फॉल्स हुई थी फ्लैग, क्योंकि टर्न की वैल्यू जीरो थी, तो फ्लैग ऑफ वन इज ट्रू, यस, एंड टर्न इज इक्वल टू वन, कंडीशन फॉल्स हो गई। दूसरे में फ्लैग ऑफ जीरो इज ट्रू, यस, एंड टर्न इज इक्वल टू जीरो, यस, दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों में दोनों व्हाइल लूप की कंडीशंस ट्रू हो जाएं। अगर दोनों व्हाइल लूप की कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब है कि प्रोग्रेस पार्ट टू वायलेट हो रही है। डिसीजन मेकिंग कब नहीं हो पाएगी? जब दोनों थ्रेड्स अपने व्हाइल लूप में स्टक हो जाएंगे। और दोनों थ्रेड्स अपने व्हाइल लूप में कब स्टक होंगे? जब दोनों कंडीशंस दोनों व्हाइल लूप की कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। यहाँ पे वो ट्रू नहीं होंगी क्योंकि टर्न वेरिएबल या तो जीरो होगा या वन होगा, तो हो ही नहीं सकता कि दोनों तरफ कंडीशंस ट्रू हो जाएं। तो प्रोग्रेस पार्ट टू भी सेटिस्फाइड है। अब बाउंडेड वेटिंग की बात करते हैं। ओके, दोनों ने अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने की रिक्वेस्ट की, किसी एक को परमिशन ग्रांट हो गई। मैं कहता हूँ थ्रेड नंबर वन अपने क्रिटिकल सेक्शन में है जबकि थ्रेड नंबर टू अपने वाइल लूप में आइट्रेट हो रहा है। थ्रेड नंबर वन ने एग्जिट सेक्शन में जाके अपने फ्लैग को फॉल्स किया, रिमाइंडर सेक्शन के अंदर से होता हुआ वापस उसने अपने फ्लैग को ट्रू किया, टर्न को वन किया और एंटर होने की कोशिश की वाइल लूप के अंदर। फ्लैग ऑफ वन इज सेट, टर्न इज इक्वल टू वन, कंडीशन ट्रू हो गई, वो री एंटर नहीं हो सका। उसने अपना सारा टाइम वाइल लूप के अंदर ही स्पिन होते हुए गुजारा। जब टाइम स्लाइस ओवर हुआ, कंट्रोल दूसरे थ्रेड को मिला, थ्रेड नंबर टू को मिला, तो उसमें फ्लैग ऑफ जीरो कंडीशन तो ट्रू थी लेकिन टर्न वेरिएबल जीरो नहीं रहा, जिसकी वजह से लूप ब्रेक हुआ और वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया। तो यहाँ पर बाउंडेड वेटिंग भी सेटिस्फाई हो रही है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी सेटिस्फाइड है, प्रोग्रेस की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाइड है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। सो दिस इज अ वैलिड सॉल्यूशन फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। जिस साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था उसका नाम था पैटरसन, और दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड पैटरसन सॉल्यूशन। आपकी बुक के अंदर इसको पैटरसन सॉल्यूशन के नाम से प्रेजेंट किया गया है। तो जो एल्गोरिथम थ्री है ये पिछले दोनों एल्गोरिथम्स को मर्ज करके बनाया है और इसके अंदर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आपको ये तीनों कंडीशंस चेक करनी आनी चाहिए।
मैंने तमाम एल्गोरिथम्स के ऊपर अप्लाई करके दिखाई है। वीडियो की रिकॉर्डिंग सुनिएगा और खुद से करके देखिएगा। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो इट इज़ अ पैटरसन सॉल्यूशन। पैटरसन सॉल्यूशन जो है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ऑफ फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। जब उसने प्रपोज किया था उस वक्त ये वैलिड सॉल्यूशन था, लेकिन आजकल की जो मॉडर्न सीपीयूज़ हैं उनके ऊपर शायद ये इम्प्लीमेंट ना हो सके, शायद ये काम ना कर सके। तो उसकी रीज़न ये है कि आजकल के जो माइक्रो प्रोसेसर हैं वो उस ऑर्डर में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करते जिस ऑर्डर में वो लिखा गया होता है, वो आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं डिपेंडेंसी की वजह से। तो ये तो आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देखेंगे कि डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। तो पैटरसन सॉल्यूशन की लिमिटेशन ये है कि इनिशियली यानी कि ओरिजिनल एल्गोरिथम सिर्फ दो थ्रेड्स के लिए था, मल्टीपल थ्रेड्स के लिए नहीं है, सिर्फ दो थ्रेड्स के लिए। और शायद ये आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाले प्रोसेसर्स के ऊपर ठीक काम ना करें, तो ये इसकी लिमिटेशन है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए आपने कोई एक ऐसा केस ढूंढना है जिसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो रही हो। अगर किसी एक केस के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो रही है तो इसका मतलब है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट है। प्रोग्रेस कंडीशन वन, आपने दोनों हर थ्रेड को इंडिपेंडेंटली चला के देखना है कि क्या वो इंडिपेंडेंटली एंटर हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो प्रोग्रेस वन सेटिस्फाइड है। प्रोग्रेस टू में आपने देखना है कि कोई ऐसा आपने स्नैरियो ढूंढना है जिसके अंदर दोनों थ्रेड्स अपने वाइल लूप के अंदर स्टक हो जाएं। अगर दोनों अपने वाइल लूप के अंदर स्टक हो जाते हैं और उसी में ही रहते हैं, उससे निकल नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि प्रोग्रेस टू भी वायलेट हो रही है। बाउंडेड वेटिंग के लिए आपने चेक करना है कि क्या कोई थ्रेड एग्जिट होके री एंटर हो सकता है जबकि दूसरा वाइल लूप में स्टक हो रहा है, जबकि दूसरा वाइल लूप में आइट्रेट हो रहा है, तो क्या दूसरा थ्रेड री एंटर हो सकता है, यानी कि पहला थ्रेड जो क्रिटिकल सेक्शन में था वो एग्जिट होने के बाद री एंटर हो सकता है जबकि दूसरा वेट कर रहा है एंटर होने के लिए, उसने रिक्वेस्ट की भी है। अगर हो सकता है एंटर री एंटर तो इसका मतलब है बाउंडेड वेटिंग भी सेटिस्फाइड नहीं है। एल्गोरिथम थ्री के अंदर सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही। अब इसमें किसी भी थ्रेड को ले लें, जबकि दूसरा वेट कर रहा है, दूसरा एंटर होना चाहता है, वो अपना फ्लैग ट्रू कर चुका है, तो कोई भी थ्रेड री एंटर नहीं हो पाएगा। हाँ, री एंटर वो तभी हो पाएगा जबकि दूसरा थ्रेड हो ही ना, उसने रिक्वेस्ट की ना हो, फिर पहला थ्रेड जितनी दफा चाहे एंटर हो जाए वो बाउंडेड वेटिंग को वायलेट नहीं करता। बाउंडेड वेटिंग की वायलेशन यह है कि दोनों ने रिक्वेस्ट की, एक को परमिशन मिल गई, एक एंटर हुआ और वो एग्जिट होता है, फिर दोबारा एंटर हो जाता है, फिर एग्जिट होता है, फिर एंटर हो जाता है, जबकि दूसरा वेट कर रहा है एंटर होने के लिए, तो ये चीज़ वायलेट करेगी बाउंडेड वेटिंग को।